साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करो और देखो आंसर जीरो आया नहीं। बिल्कुल सिंपल, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन सी प्लस साइन डी। साइन को प्लस करेंगे तो फर्स्ट साइन आएगा और सेकंड कॉस आएगा। लेफ्ट साइड में सिंगल एंगल है इसलिए राइट साइड में डबल एंगल आएगा, तो सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू। और अगर हम कॉस को माइनस करेंगे तो कॉस माइनस करने से दोनों साइन आते हैं, ट्वाइस तो आना ही आना, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू, लेकिन साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अप्लाई कर दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स, फर्स्ट अप्लाई द फॉर्मूला देन ओपन द ब्रैकेट। यस, डन। वेरी गुड। हाँ जी सर, बच्चों क्या हो गया? आपके पास क्या है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब टू साइन सी प्लस डी, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू इज टू एक्स, सेकेंड विल बी कॉस, थ्री माइनस वन टू, टू बाई टू इज वन एक्स इन टू साइन एक्स। फिर हमारे पास ये प्लस आ गया, लेकिन अंदर जो है माइनस में आएगा, ध्यान रखना। आपके पास आएगा टू, दोनों साइन आने, थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू इज टू एक्स, दूसरा भी साइन ही आना है, थ्री माइनस वन टू, टू बाई टू वन एक्स इन टू कॉस एक्स, ये हमारे पास है। जरा चेक करो क्या हमारे पास दोनों टर्म सेम है। हमारे पास यहाँ है टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास है टू साइन टू एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, तो एक हमारे पास प्लस में है और एक हमारे पास टोटली माइनस में है। आंसर क्या आएगा सर जी? बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। इतनी देर से आवाज क्यों नहीं आ रही? आप बच्चे ना अच्छे नहीं हो।